स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बीते 10 अक्टूबर को निसिंग मार्केट कमेटी के अंदर महिला सचिव का ना केवल पुतला फूंका गया बल्कि उसके पुतले पर जूतों का हार भी पहनाया गया। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इतना ही नहीं, कुछ आड़तियों ने उन पर यह भी आरोप लगाए कि वह पैसे की मांग करते हैं और कमेटी के कर्मचारी हमेशा नशे में धुत रहते हैं। लेकिन यहां यह पता लगाना अति आवश्यक है कि आखिर महिला सचिव के पुतले के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, क्यों उन पर भ्रष्टाचार और पैसे मांगने के आरोप लगाए गए। जो आपको दिखाया गया वह शायद सच हो या नहीं भी हो, लेकिन समाचार एक्सप्रेस आपको ऐसे दस्तावेज दिखाएगा जिससे आपको मामले में सच और झूठ का फर्क नजर आएगा। महिला सचिव को ऐसे आड़तियों को नोटिस जारी करना महंगा पड़ गया जो आड़ती सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। यहां समाचार एक्सप्रेस आपको तिथि के अनुसार उन आड़तियों के नाम भी उजागर करेगा जिनको नोटिस जारी किए गए थे। आपको बता दें कि सबसे पहले 7 अक्टूबर 2020 को नई अनाज मंडी निसिंग में शर्मा कमिश्नर एजेंट जिनका लाइसेंस नंबर 316 NSG बोर्ड है, उनको नोटिस जारी किया गया कि आपने कार्यालय में आकर कर्मचारियों के साथ हाथापाई की है व जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा कर्मचारियों के हाथ से सरकारी कागज छीनने व गाली गलौज किया है। आपके द्वारा सरकारी काम में बाधा डाली गई है, इसीलिए आपने लाइसेंस अंडर सेक्शन 10 की अवहेलना की है। आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के भीतर जवाब दें, अन्यथा आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही नोटिस निसिंग अनाज मंडी के सुरेंद्र पाल जिनका लाइसेंस नंबर 627 NSG बोर्ड है। इसके अलावा नई अनाज मंडी में निसिंग में सुरेश कुमार, पंकज कुमार जिनका लाइसेंस नंबर 732 NSG बोर्ड है, सुरेंद्र कुमार, अशोक कुमार जिनका लाइसेंस नंबर 514 NSG बोर्ड है, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी नई अनाज मंडी निसिंग जिनका लाइसेंस नंबर 556 NSG बोर्ड है, तथा हरिचंद अशोक कुमार जिनका लाइसेंस नंबर 877 NSG बोर्ड है। इन सब को सचिव के द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने के विरोध में नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मार्केट कमेटी ने बतौर मंडी सुपरवाइजर के द्वारा पुलिस को एक शिकायत दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि एक ट्रक जो कि जीरे से भरा हुआ था उसे गेट पास जारी किया गया था, लेकिन वह दोबारा से वापस आ गया कि वह अपनी जीरी नहीं बेचना चाहता और वह उसे वापस लेकर जा रहा है, जिस पर सुपरवाइजर द्वारा यह कहा गया कि यदि यह ऐसा करना चाहता है तो वह उस दुकान के लेटर पैड पर यह सब लिखवा कर ले आए। लेकिन कुछ ही देर के बाद चालक ने दुकान के मालिक पंकज, सुरेश, महेंद्र और अशोक कुमार को बुलाया, जिस पर महेंद्र कुमार आड़ती मौके पर आ गया कि वह कुछ भी लिखकर नहीं देंगे। इसके बाद वह अपने कार्यालय से दर्जन भर से अधिक लोगों को बुलाकर लाया और गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सरकार के कागजात भी छीन लिए और मारपीट करने लगे। जब उनके कार्यालय के बाकी कर्मचारी उनके बचाव में आए तो उन पर भी हमला बोला गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अब आपको समाचार एक्सप्रेस सभी दस्तावेज भी दिखाएगा। सब देखने के बाद सच और झूठ का फर्क आपको खुद नजर आएगा। अब साबित यह होता है कि बीती 10 तारीख को जो प्रदर्शन किया गया वह किसकी आड़ में किया गया, कहीं इसमें किसी का कोई षड्यंत्र तो नहीं। क्यों महिला सचिव के पुतले पर जूते पहनाए गए और उनका पुतला फूंका गया, इन सब का जवाब समाचार एक्सप्रेस आपको शीघ्र ही देगा। बने रहिएगा समाचार एक्सप्रेस पर ऐसी ही खबरें पाने के लिए। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।